गाजियाबाद के थाना लिंक रोड इलाके की ब्रिज विहार कॉलोनी में रहने वाली दिल्ली में तैनात महिला हेड कांस्टेबल शशिमाला शुक्ला की गला घोटकर हत्या की गई है। यह आरोप उसकी नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर ही लगा है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। साथ ही महिला कांस्टेबल की बेटी और उसके प्रेमी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शशिमाला शुक्ला पत्नी गोपाल ठाकुर, जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और अपने परिवार के साथ थाना लिंक रोड इलाके की ब्रिज विहार कॉलोनी में ही स्थित मकान नंबर B602A में रहती है। इनकी एक नाबालिग बेटी है, जिसका पड़ोस में ही रहने वाले जितेंद्र नाम से एक नाबालिग से प्रेम चल रहा था, जिसकी जानकारी शशि को मिली थी, तो इसका विरोध शशि द्वारा किया गया था। बताया जा रहा है कि शशि ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की पिटाई कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उसकी बेटी और प्रेमी ने उस वक्त शशि पर हमला बोला जब शशि घर पर अकेली थी। उसी दौरान दोनों ने मिलकर शशि का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद शशि की बेटी खुद ही जोर जोर से शोर मचाने लगी कि मम्मी को क्या हो गया। उसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त शशि के पति गोपाल बाहर गए हुए थे। अचानक ही इसी दौरान शशि के पति भी पहुंच गए, जिसके बाद इसकी पूरी शिकायत लिंक रोड थाना पुलिस से की गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना लिंक रोड पर गोपाल ठाकुर नाम के व्यक्ति, जो कि मूलतया वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी पत्नी शशिमाला, जो कि हेड कांस्टेबल थी दिल्ली पुलिस में, वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ रहती थी ब्रिज विहार में। और कल की घटना है, जिस पर उनके द्वारा बताया गया है कि शशिमाला की बेटी, जो उनके साथ रहती थी, उसने अपने मित्र जितेंद्र के साथ मिलकर के शशिमाला की हत्या कर दी है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है शशिमाला की बेटी को और जितेंद्र को शशिमाला की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।